नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ओसाकिसाकी रीमेक सॉन्ग के बारे में। दोस्तों अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो। दोस्तों ओसाकिसाकी सॉन्ग रीमेक हो चुका है और ये आ रहा है फिल्म बाटला हाउस में। जी हाँ दोस्तों, ये वही साकिसाकी सॉन्ग है जिसमें आपको नजर आए थे संजय दत्त और कोइना मित्रा। जी हाँ दोस्तों, मुसाफिर फिल्म का ये सॉन्ग 2011 में आया था और ये सॉन्ग बहुत ही सुपर डुपर हिट हुआ था। लोगों ने इसे बहुत ही ज्यादा पसंद किया था और लोग इसके ओरिजिनल वर्जन को आज भी पसंद करते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके यूट्यूब पर 104 मिलियन व्यूज हैं। और आइए दोस्तों अब बात करते हैं इसके रिमेक सॉन्ग की। दोस्तों इसका रिमेक सॉन्ग फिल्म बाटला हाउस में आने वाला है और दोस्तों बहुत ही जल्द इस सॉन्ग में आपको डांस करती नजर आएगी दिलबर दिलबर फेम गर्ल नोरा फतेही। इस फिल्म में उनके साथ है सुपरस्टार जॉन अब्राहम। दोस्तों इसके ओरिजिनल सॉन्ग में संजय दत्त बहुत ही हैंडसम और अपने रफ लुक में नजर आए थे और कोइना मित्रा बहुत ही सेक्सी लग रही थी और ओरिजिनल सॉन्ग को फिल्माया भी बहुत अच्छी तरह से गाया था। दोस्तों अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि जॉन अब्राहम इस सॉन्ग में किस रूप में नजर आते हैं और नोरा फतेही कोइना मित्रा की तरह सेक्सी डांस कर पाती है या नहीं। वैसे तो दोनों ही बहुत अच्छी डांसर्स है और ये देखना भी इंटरेस्टिंग होगा कि ओसाकिसाकी रिमेक सॉन्ग उतना अच्छा बन पाता है या नहीं जितना कि पहले बना था। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या जॉन अब्राहम संजय दत्त की तरह हैंडसम नजर आएंगे? क्या नोरा फतेही कोइना मित्रा की तरह सेक्सी डांस कर पाएगी? ओसाकिसाकी रिमेक सॉन्ग ओरिजिनल सॉन्ग से अच्छा बन पाएगा या नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।